तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा खास, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए और भी ज़्यादा खास है, जो कि जो हम आज बात करने जा रहा है सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदुम जी के ऊपर। आज का मेरा ब्लॉग बन रहा है, तो गाइस आप लोग देखिए। तो गाइस, सोल दोदुम जी जो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और हमारे अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है इसका मिंग जो, और सोल दोदुम जी जो एक मुद्दा उठाया गया था जो कि पीएचई डिफर्मेंट और वहाँ है उसका ऊपर में, और जो एक मुद्दा उठाया गया है जो कि साफ पानी और अच्छा सड़क के लिए वो मुद्दा उठाया था। स्कूल रैली जब वो लोग कर रहा था तो उसका ऊपर में सोल दोदुम जी के ऊपर में जानलेवा हमला अनोन आदमी ने किया है, जो अनोन है अनोन आदमी था वो लोग उसका ऊपर में हमला किया था, उसका जो गाड़ी को भी तोड़ दिया है और उसका जो जो साथ में था उसको भी थोड़ा कुछ चोट लगा है। तो उसका बाद भी वो हार नहीं माना है, तो हार नहीं मान के तो वहाँ से सेपा टाउन से लेके जो कि हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी जो ईटानगर है, तो वहाँ का वो पुट मार्च के लिए तो वहाँ से निकल गया। तो तीन दिन और तीन रात चार दिन का उपासना तैयार करके जो कि है 230 से ऊपर 230-240 इतना का किलोमीटर फासला तैयार करके तो राजधानी ईटानगर में तो पहुंच गया सोल दोदुम जी। तो वहाँ पहुंच के जो कि है आईजी पार्क ईटानगर टेनिस कोर्ट, वहाँ में अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है उसका। और गाइस, हम सोल दोदुम जी को ग्राउंड लेवल में भी मिलने गया था जो कि है हमारे राजधानी ईटानगर आईजी पार्क का सामने में जो टेनिस कोर्ट है वहाँ में वो धरना कर रहा है, तो उसको हम मिलने गया था। तो उसके साथ में थोड़ा बात भी किया था, तो अभी आप लोगों को उसको भी दिखाएगा, तो चलो और भी देख पाएंगे। तो गाइस, अभी आप लोगों को जो शक है उसे मिलाएगा जो कि सोल दोदुम जी जो कि हम लोग का अरुणाचल का आयरन मैन, तो आप लोग अभी उससे बात करें। और आपको वही पूछना चाहता है कि आपका जर्नी कैसे स्टार्टिंग हुआ है ना, अब वहाँ से लेके यहाँ तक कैसे हुआ है, तो उसका आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ये भाई का यूट्यूब चैनल है, तो उसको आप लोग प्लीज़ फॉलो कर देना और लाइक कर देना। एक्चुअली वहाँ से जब आया था सोचा नहीं था कि इतना लोग जुड़ेगा बोल के, हम तो 7 महीना से अकेला लड़ रहा था, सबको चिल्ला के बता रहा था कि ये मेरा कोई पर्सनल नहीं था, पापा ने रोड मांगना कोई ग्राम। हाँ, कुछ यंग जनरेशन लड़का था, रात को मेरा घर आया और सुबह को मेरा घर आया, नहीं मेरे साथ जाएगा। फिर वहाँ में तो सपा में तो 144 कर्फ्यू मेरा नाम से लगा के रखा, यानी कि हमको गुंडा तय करके रखा है वहाँ में। तो अभी तो आप देख रहे होगा कि इंटर अरुणाचल इंटर नॉर्थ सारा इंडिया, अभी मेरा सपा अभी हाल ही अभी अभी कुछ घंटा पहले रैली चला, अभी डीसी ऑफिस में वहाँ बैठा हुआ है, सब मालूम हो गया कि हाँ ये हम लोग जो सोलो उनको पहले साथ नहीं दिया वो गलत था, अभी हम लोग साथ देगा, सब जनता उठा रहा है। तो वहाँ से तो कोई एक्सपेक्ट नहीं हुआ था, वहाँ में तो जो हमारा पैकेजिंग का लोग वहाँ में जब सपा से निकला था हम कोई रेस्पॉन्स नहीं लिया, एक ही पुलिस ऑफिसर जो SI था वो SI बोलता है OC था वही हमको थोड़ा गेट तक ड्रॉप किया, उसका बाद हम अकेला चला और डर थोड़ा तो डर भी महसूस हुआ है कि वो लोग हमको अटैक करेगा रास्ता में हम अकेला जा रहे थे। उसका बाद मेरा एक भाई था वो मेरे पीछे पीछे दौड़ के आए हैं, और एक भाई फिर 8 किलोमीटर में फिर वो पीछे दौड़ के, वो तो नहीं मानेगा, वो दोनों भी जाना ही है बोल के बोला है। तो उसमें ऐसा लगा कि हम थोड़ा दुख तो फीलिंग हुआ कि सपा का लोग ही सब हमको ऐसे कर रहा था उसके। उसके बाद जैसे ही पकीके सिंह पहुँचे हैं तो पकीके सिंह लोग बहुत काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, पकीके सिंह लोग काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है कि वहाँ में पकीके सिंह हमको प्रोटेक्ट करना शुरू हो गया। फिर पपम पर पहुँचे तो पपम पर प्रोटेक्शन करना शुरू हो गया। तो अपना सिपा के लिए काफ़ी दुख था, तो आज दिखा है तो कल से लेकर आज देख रहे तो सिपा लोग काफ़ी जाग रहा है पूरा, हमें मालूम हो रहा है कि सच्चाई क्या है बोल के। तो अभी सब लोग गुस्सा हो रहा है, अभी सब बोला पानी चाहिए। तो मेरा तो यही मांग है, यही है कि जर्नी तो ऐसे तो महसूस नहीं हुआ है कि अकेलापन, उसके बाद यहाँ से पहुँचते जुड़ना शुरू हो गया हर कोई। अभी तो सारा स्टेट है, सारा अरुणाचल, सारा नॉर्थ ईस्ट सब जानता है कि हाँ एक क्रब अपना हक के लिए मांग रहा है। हम तो क्या मांगे, सिर्फ अच्छा सपा पानी और रास्ता के लिए तो मांगा था, और क्या मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। उसमें हम लोग एम्बुश करके अटैक किए, वही है। और आपसे एक चीज़ जानना चाहता था, वहाँ से आप कितना किलोमीटर आप सफ़र किया, तो उसको भी थोड़ा ब्रीफिंग कर दीजिए। एग्जैक्टली किलोमीटर तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ तक भागे तनियाली से तो सपा को
214 किलोमीटर दिखा रहा है और वहाँ से यहाँ कितना होगा पता नहीं। ऐसे मान लो 40 किलोमीटर, कोई बोलता है 50 किलोमीटर, ऐसे 40 किलोमीटर मान लीजिए, 40 किलोमीटर मीन्स 250 ना, 250 ऐसे मान लीजिए, 250 ऐसे आसपास। तो वहाँ से सबसे पहले तो हम इंडियन हैं और उसके बाद मैं एक अरुणाचली हूँ और अरुणाचली होने का नाते मैं सोल दोदुम जी को फुल्ली स्ट्रांगली मैं सपोर्ट करता हूँ। और आप सभी को जितना भी मेरा ये यूट्यूब चैनल में है, आप सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी सोल दोदुम जी को सपोर्ट कीजिए। तो गाइस लास्टली शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको मेरा इस चैनल में अच्छा अच्छा वीडियो देखने मिलेगा। और नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सी यू अगेन।